खबर जनपद चमोली से है, जहां उत्तराखंड राज्य गठन के बाद नीति माणा घाटी के निवासी बद्रीनाथ उपचुनाव में पहली बार अपने मूल गांवों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बता दें कि बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव में नीति माणा घाटी के नौगांव के 3,838 माइग्रेट मतदाता है, जो इन दिनों गर्मियों में नीति माणा घाटी के अपने मूल गाँव में रह रहे हैं। इसी के मद्देनजर प्रशासन ने नीति माणा घाटी में 9 पोलिंग बूथ बनाए हैं। बता दें कि जिसमें मलारी, कैलाशपुर समेत नीति और माणा शामिल है। इसके तहत ही जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु खुराना ने बताया कि नीति व माणा घाटी के 9 गांव के मतदाताओं के लिए उनके मूल गांव में ही मतदेय स्थल बनाए गए हैं। साथ ही इन बूथों पर गर्भवती महिलाओं, बुजुर्ग एवं दिव्यांग मतदाताओं की सुविधाओं का भी विशेष ख्याल रखा जा रहा है। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट। और इस बार बड़ा हर्ष का विषय है कि उत्तराखंड राज्य बनने के बाद हमारे नीति घाटी में या फिर माणा घाटी में पहली बार जो है चुनाव होगा, और इस चुनाव को लेकर पूरे घाटी में, दोनों घाटियों में, नीति घाटी हो या माणा घाटी में हो, विशेषकर माइग्रेट जो गाँव लोग हैं, जो हम लोग शीतकालीन प्रवास के लिए जिला चमोली के नज़दीक गांव में आ जाते हैं, और ग्रीष्मकालीन के लिए हम लोग अपने मूल गांव के लिए यानी ऊपर घाटी के लिए जब चले जाते हैं, तो ये पहली बार हो रहा है कि जब वहां पे चुनाव होगा। पहली बार हो रहा है तो निश्चित तौर पर एक सभी लोगों में एक जिज्ञासा है, एक कौतूहल है कि इस बार हम पहली बार अपने गाँव में वोट मतदान करेंगे। सब लोगों में उत्साह है और एक अच्छी पहल भी है सरकार की तरफ से कि मूल गांव में वहां पे हो रहा है, लेकिन हमारा शासन प्रशासन से निवेदन रहेगा कि वहां पर जो मूलभूत समस्याएं रही हैं और अभी भी यथावत जो हैं, जैसे बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, या फिर जो गांव में हमारे पंचायत घर हैं इनके रख रखाव की या इनकी मरम्मत की जो व्यवस्था है वो समय रहते उसको ठीक किया जाना चाहिए, ताकि जो गाँव में हमारे लोग जो आएंगे, जो नीचे से जो लोग काफ़ी समय बाद मतदान करने के लिए आएंगे, या फिर जो कर्मचारी लोग हमारे वहाँ पे आएंगे, उनको रहने की व्यवस्था या खाने की व्यवस्था वो अच्छी हो सके। इसमें हमारा जो 9 हमारे ऐसे बूथ हैं जो हमारे शीतकालीन में माइग्रेट कर जाते हैं, इस बार वो कई साल बाद जो अभी उनके मूल गांव हैं, मूल बूथ हैं, उसी में मतदान करेंगे। तो उसके लिए जो निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में जो अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी जो बूथ में होती है, उसमें रैंप, पानी, बिजली और शेड, ये सब जो व्यवस्था की जानी है, उसमें हम उसकी तैयारी की जा रही है। जो भी जीर्णोद्धार होना है पोलिंग बूथ का, वो ऑलमोस्ट सभी बूथ में हो चुका है और एक दो बूथ में लास्ट फेजेस में है। तो उसमें हम उसी वहीं पर हम इस बार पोलिंग पार्टी जाएंगे और उनके मूल गांव में वहाँ पर वोटिंग कर रहे हैं। राज्य बनने के बाद पहले बार हमारे यहाँ चुनाव हो रहे हैं, हमारे यहाँ के लोग काफ़ी खुश हैं, उनको भी लग रहा है कि पहले बार हमारे क्षेत्र में चुनाव हो रहा है और काफ़ी उत्सुक हैं, और उनको ये हमारे लोगों को ये है कि हम इस चुनाव में भारी मतों से हम विजय होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा ये उनका कहना है कि जिसने हमारा विकास करना है हम उन्हीं को वोट देंगे, और यही है कि हमारा विकास होगा, ज़रूर होगा।